Assalamu alaikum. My name is Ismail and my group members are Aftab Ahmed and Abu Bakr. So our project is design four-way traffic signals using flip-flops and logic gates. इसका मेथड बताते हैं. इस सर्किट की रिक्वायरमेंट हमारे पास कुछ ये है. 4-bit काउंटर होगा. इसको हमने बनाया है टी फ्लिप फ्लॉप की मदद से. 4-bit है तो हमें 4 टी फ्लिप फ्लॉप हमें यूज करने पड़ेंगे. इसी तरह हम बेसिक गेट्स यूज करने हैं. इसमें 2 इनपुट भी है, 3 इनपुट गेट्स भी हैं, पावर सप्लाई है और क्लॉक है और LEDs हैं और रजिस्टर्स 100 ओम की है. हमने जो सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है Proteus 8 प्रोफेशनल. सो हमारे पास जो कंट्रोल सिग्नल होंगे वो उसमें टॉप लाइट होगा रेड होगा, मिडिल येलो होगा और बॉटम लाइट ग्रीन होगा. जो भी फ्लो होगी दो सर्किट की वो सबसे पहले हम क्लॉक बनाएंगे. क्लॉक हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है वो. इसके बाद हम काउंटर डिजाइन करेंगे. उसके बाद फिर कॉम्बिनेशनल लॉजिक हम ड्रॉ करेंगे. उसके बाद फिर ट्रैफिक सिग्नल के साथ इसे कनेक्ट कर देंगे. तो जो प्रोसीजर है हमें सर्किट बनाने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो बनाना पड़ेगा 4-bit काउंटर यूजिंग 3 फ्लिप फ्लॉप्स. तो मैं बता देता हूँ. ये देखें हमने ये फ्लिप फ्लॉप्स लिए, 4 टी फ्लिप फ्लॉप्स लिए. बेसिकली हमने यहाँ पर जे के फ्लिप फ्लॉप लिए क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर में टी फ्लिप फ्लॉप ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है. हमने जे और के की जो कनेक्शन है इनपुट्स उन्होंने उसको कनेक्ट कर दिए तो इस तरह ये टी फ्लिप फ्लॉप हमारे पास बन गया. इसी तरह हमने जो इनकी जो आपस में कनेक्शन है फ्लिप फ्लॉप्स के काउंटर 4-bit काउंटर बनाने के लिए उसका प्रोसीजर कुछ यूँ है. उसका प्रोसीजर हमें सबसे पहले स्टेट टेबल बनाने का, उसके बाद फिर जो प्रेजेंट स्टेट्स हैं उसके नेक्स्ट स्टेट्स लिखी. तो उसके बाद जो हमें टी इनपुट्स डालनी है टी फ्लिप फ्लॉप, इसको हमने इस इक्वेशन के जरिए हल किया जो कि एक्साइटेशन टेबल की इक्वेशन है. प्रेजेंट स्टेट इफ प्लीज यू आर नेक्स्ट स्टेट. हमने इन सबको फिर इनपुट इक्वेशन हमारे पास जो हैं हमने इन सबको गेम के जरिए हल किया तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज आई. टी ए हमारे पास बी सी डी आ गया, टी बी हमारे पास सी डी आ गया, टी सी हमारे पास डी आ गया और टी डी इक्वल्स टू हमारे पास 1 आ गया. तो यहाँ पर मेरा टी ए से मुराद टी 1 है, टी बी से मुराद टी 2 है, टी सी से मुराद टी 3 है और टी डी से मुराद टी 4 है. तो टी 1 हमने पढ़ा था इक्वल्स टू बी सी डी है तो इसकी हमें कनेक्शन करनी है. बी सी डी मतलब एंड गेट हम यूज़ करने हैं 3 इनपुट्स के लिए. इसकी जो वैल्यू हमारे पास 4073 है आप यहाँ से देख सकते हैं, 4073. तो इसकी कनेक्शन हमने की, एक बी से इनपुट आया बी फ्लिप फ्लॉप है, एक सी से आया सी फ्लिप फ्लॉप और एक ये वाला डी फ्लिप फ्लॉप से आया. तो इसी तरह हमारे पास टी टू हमारे पास सी डी था तो हमने उसको एंड गेट लिया, ये देख सकते हैं एंड गेट और सी डी कनेक्शन हम एक साथ किया. इसी तरह टी थ्री हमारे पास डी के इक्वल है, डी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया और टी फोर हमारे पास जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल था तो हमने इसे लॉजिक स्टेट हमें यहाँ पर सेट करना है. लॉजिक स्टेट हमारे पास ऑलरेडी आ जाएगा तो उसको हम 0 भी कर सकते हैं और 1 भी कर सकते हैं. तो ये हुआ हमारे पास 4-bit काउंटर हमारे पास बन गया. इसका डिज़ाइन का ये प्रोसेस था, ये हमारे पास 4-bit काउंटर बन गया. इसके बाद हमने बात की कि हमें जो बनाना है स्टेट टेबल ऑफ सिग्नल आउटपुट्स. इसको हमने कुछ यूं करना है कि उसके बाद हमें स्टेट टेबल ऑफ सिग्नल आउटपुट्स लेनी है, यानी कि जितने भी सिग्नल हैं हमारे पास, सिग्नल 1 ये वाले सिग्नल की बात कर रहा हूँ, ये सिग्नल 1, सिग्नल 2, सिग्नल 3, सिग्नल 4, इन सब की जितने भी इनपुट्स हैं वो हमें पता करना है कि क्या क्या है, मालूम करना है कि इनकी इनपुट्स हमारे पास क्या हैं. तो इसको हम इस टेबल की मदद से हम इसे फाइंड करेंगे. ये है हमारे पास स्टेट टेबल ऑफ सिग्नल आउटपुट्स. तो सबसे पहले तो काउंटर स्टेट्स हैं हमारे पास जितने भी हैं काउंटर स्टेट्स. आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4-bit काउंटर विल डिजाइन टू बी फॉर ईच सिग्नल अकॉर्डिंग टू द टाइम डिले रिक्वायरमेंट्स. क्योंकि जितने भी हमने इनपुट्स दी, फर्स्ट सिग्नल R1 को जितनी आउटपुट इनपुट दी, Y1 को दी, G1 को दी,
इस तरह सेकंड सेट था, फिर फोर्थ, उसकी बेस पे हमने इसे इनपुट्स दिए, यानी कि R1 हमें कितना रखना चाहिए और येलो लाइट को हमें कितना वक्त ग्लो करना चाहिए और ग्रीन लाइट को कितना ग्लो करना चाहिए। तो ये हमारे पास टेबल बन गया। इस टेबल की फिर हमने कैमरे के जरिए मिनिमाइजेशन की, हमारे पास कुछ इक्वेशन, इन सब की इक्वेशन आ गए, सिग्नल वन के लिए आर वन, फिर वाई वन, फिर ग्रीन वन, ये सब इनकी इक्वेशन हैं। इस तरह सिग्नल टू के लिए, फिर सिग्नल थ्री के लिए। हमने बेसिकली सर्किट की आसानी के लिए और उसके समझने के लिए, आके इजीली हमें समझ आ जाए, तो हमने फिर क्या किया, जितने भी रेड लाइट्स हैं उन सब की इक्वेशंस को, इन सब की इक्वेशंस की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, हमने उन सबको एक ही साथ जमा किया, जो कि यह है। मिसाल के तौर पर यह है, ये जितना भी एरिया है हमारे पास, ये पूरे का पूरा एरिया हमारे पास रेड लाइट के लिए, रेड लाइट के लिए। ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R3 है, ये हमारे पास R2 और ये R4 हमारे पास है। इसी तरह हमने जितने भी येलो लाइट्स हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा कर लिया है। ये है येलो लाइट्स हमारे पास, आप देख सकते हैं, ये है येलो लाइट। इसमें ये वाला Y1 है, ये Y3, Y2, Y4, बेसिकली हमारे पास जितने भी Y1, Y3 उनके सेम गेट्स रिक्वायर हैं। इस तरह Y2 और Y4 के सेम गेट्स रिक्वायर हैं। तो इस तरह हमने इन सबको इकट्ठा कर दिया। इसी तरह हमने जितनी भी ग्रीन लाइट्स हैं उन सबको एक साथ जमा कर दिया। एक साथ जमा करने के बाद हमने उनको इनपुट्स दी, हमारे पास जी वन, ये जी टू, जी थ्री और जी फोर, इनके इक्वेशन दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर जी वन मैं आपको समझा देता हूँ मैंने इसे कैसे किया। देखें, जी वन जो है हमारे पास, जी वन जो है हमारे पास ए बी, ए बार बी बार डी प्लस ए बार बी बार सी, यानी कि ए बार बी बार लेना है, ए बार बी बार सी है। देखें, ये हमारे पास ये जो लाइन आ रही है, ये ए बार की मेरे साथ मेंशन भी किया है। इस तरह ये बी बार है, उसके बाद फिर सी है, सी मतलब पॉजिटिव है, हमारे पास ये सी है, मैंने हर लाइन के साथ उसे मेंशन भी किया है। तो इस तरह ये हमारे पास ए बार बी बार और डी है, तो ये हमारे पास जो है डी लाइन है। तो इसको हमने और गेट के जरिए इन सबको प्लस कर दिया, तो हमारे पास जी वन बन गया। जी वन मतलब ग्रीन वन, ग्रीन वन सिग्नल हमारे पास जाएगा। तो इस तरह हमने चार सिग्नल को इकट्ठा जमा किया, सिग्नल वन, सिग्नल टू, सिग्नल थ्री, सिग्नल फोर, जितने भी रिक्वायरमेंट्स थे हमने उन सबको दे दिया इनपुट्स उनके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अब हमारे पास जो दो मेन स्टेप्स हैं हमारे पास कंप्लीट हो गए। एक हमने काउंटर बना दिया, सेकंड हमने जितने भी सिग्नल्स के रिक्वायरमेंट्स थे गेट्स की मदद से हमने उसे ड्रॉ कर दिया। तो अब तीसरा जो स्टेप है और वो भी ज़रूरी स्टेप है, इनकी इलेक्ट्रिसिटी या इनकी करंट को मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ पे LEDs यूज़ की और रेजिस्टर यूज़ किया। टी फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट हमारे पास आ रहा है ए, उसके साथ हमने LED ग्रीन डाला और साथ में R 100 ओम का रेजिस्टर यूज़ किया। इसी तरह D के साथ भी और 100 ओम रेजिस्टर यूज़ किया और इसके डाउन टर्मिनल पे हमने इसे ग्राउंड स्टेट दे दिया। इस तरह हमें चार रेजिस्टर रिक्वायर हैं और चार डायोड्स रिक्वायर हैं, LEDs रिक्वायर है। अच्छा, एक चीज़ रह गई है, वो है प्रीसेट। प्रीसेट बेसिकली पूरे सर्किट को सेट करने के लिए यूज़ होता है। तो हमने इन सब के कनेक्शंस को एक साथ कनेक्ट करके इसे वोल्टेज लेवल वन के साथ कनेक्ट कर दिया। इसी तरह नीचे रीसेट है, रीसेट पूरे सर्किट को ज़ीरो करने के लिए यूज़ होता है। तो इसको भी हमने कनेक्ट कर दिया वन के साथ। तो इसी तरह हमने फिर क्लॉक को भी कनेक्ट किया, सबको एक ही टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके क्लॉक के साथ कनेक्ट कर दिया। हम इसे चलाते हैं कि ये देखें जी, सर्किट चल गया। हमारे पास सिग्नल वन है, सिग्नल टू। बेसिकली देखें, ग्रीन हो गया और ये हमारे पास ये सब चीज़ें रेड हो गया, फिर ये ग्रीन हो गया। इस तरह ये ग्रीन हो गया तो इस तरह से गाड़ी आएंगी, राइट टू लेफ्ट जाएंगी और बाकी सब रुक जाएंगे। फिर सिग्नल थ्री ऑन होगा और
बाकी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, अप टू डाउन गाड़ियाँ जाएंगी और बाकी रुक जाएंगी। तो इसी तरह हम फोर वे ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं और बाकी आप यहाँ पर इसे जो क्लॉक है उसे पहले उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें कि ज़्यादा देर तक एक लाइट बरकरार रहे। आप उसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर मैं इसे वन करता हूँ तो ये थोड़ा ज़्यादा देर लगेगा, एक लाइट से दूसरी लाइट में तब्दील होने में ज़्यादा देर लगेगा। अब देखें जी, देखें ये ग्रीन है, थोड़ा ज़्यादा देर ला रहा है। साथ में आप बैक वो भी देख सकते हैं जो LEDs हैं वो भी साथ जो इनकी करंट जा रहा होता है उसे मेंशन कर रहा होता है। तो ये हमारे पास फोर वे ट्रैफिक सिग्नल जो सर्किट हमारे पास बन गया।